नमस्ते। चालू मूवी के अंदर सलमान खान एक बहुत ही सरकास्टिक और कॉमेडी वे के अंदर अपने भारत देश के ऊपर एक लंबा चौड़ा स्पीच देते हैं और फिर एकदम से ब्लैंक होकर जन गण मन गाना शुरू कर देते हैं। और इन सब के बीच ऑडियंस जो कॉमेडी मूड के अंदर थी एकदम से जन गण मन सुन के कंफ्यूज हो जाती है कि सलमान खान कॉमेडी कर रहे हैं 5-10 सेकंड गा के बंद करने वाले कि हमें खड़े होना है कि करना क्या है। और फिर एकदम से नेशनल एंथम खत्म होता है और सलमान खान के साथ ऑडियंस भी कंफ्यूज और ब्लैंक हो जाती है। तो अगर आप ये जानना चाहते कि उस सीन के पीछे कंक्लूजन या मैसेज क्या था, तो यार मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी उसी ऑडियंस में ब्लैंक और कंफ्यूज बैठा था। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे 2 आवर 35 मिनट्स की भारत मूवी, जिसको डायरेक्ट किया है सुल्तान और टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने। आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी मूवी मैंने दूसरी बार देख ली है, वो इसलिए क्योंकि ट्रेलर के अंदर पूरी मूवी दिखा दी गई है। इसीलिए मैं आपको स्टोरी बता के आपका 1% भी मजा किरकिरा नहीं करूंगा। तो फटाफट शुरू करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट से। सबसे पहला है इस मूवी का म्यूजिक, जो प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने, जो कि फर्स्ट और ओनली इंडियन यूट्यूब चैनल है जिसने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक के बलबूते पे। सुल्तान और बजरंगी भाईजान जैसी म्यूजिकली आउटस्टैंडिंग मूवी के अंदर जूलियस पैकम ने म्यूजिक दिया था। उन्होंने इस मूवी के अंदर भी फ्रेश और यूनिक टच डाल के म्यूजिक का इस मूवी के अंदर जान डाल दी है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी का इसकी स्टोरी एंगेजिंग है और बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की है, इसीलिए हमें पूरे मूवी तक 2 आवर 35 मिनट्स आप कनेक्टेड रहते हैं मूवी से। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन होता है मूवी के अंदर, उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग सेट डिजाइनिंग की गई है और रियलिस्टिक वे में दिखाई है, ना कि कलंक मूवी की तरह जिसके अंदर भी पार्टीशन ही है लेकिन वो डिज्नी वर्ल्ड की तरह लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3 पे है इस मूवी की कॉमिक टाइमिंग और सोशल मैसेज, दोनों को भी एक साथ इतनी बेस्ट तरीके से हमारे सामने लाया ना कि हम पूरी तरह कन्विंस्ड हो जाते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जब कभी भी मूवी में कोई सीरियस सीन आता है, आपको जब भी ऐसा लगेगा कि अभी कुछ मारधाड़ होगी और मारा मारी में कोई तो मरेगा, एकदम से हीरो जाता है विलन के पास और हंसते खेलते हुए बातचीत करके बॉलीवुड के रेफरेंसेस के दोनों भी हंसने गाने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है हर बार मार धाड़ से ही बातें हो, बातचीत करके भी सुलह हो सकता है। अब यहाँ तक रिव्यू देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये मूवी बहुत अच्छी है, इसको एक बार तो थिएटर में देखना चाहिए। बट कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो बार बार बीच बीच में उंगली करने आ जाते हैं। इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट सलमान खान और कैटरीना कैफ के एक्टिंग स्किल को दूर दूर तक छुआ नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कैटरीना और सलमान के अलावा इस मूवी के अंदर जितने भी बाकी एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल के थ्रू जान डाल दी है मूवी के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद सलमान खान ने अपना 100% दिया है मूवी में। प्रॉब्लम अगर है तो वो है कैटरीना कैफ की एक्टिंग, जो पूरे मूवी के अंदर एक पत्थर की तरह खड़ी है और एक ही वे में हर एक डायलॉग बोल रही है। और कैटरीना जैसी इतनी बड़ी स्टार जब इतनी बड़ी मूवी के अंदर इतना बड़ा स्क्रीन टाइम मिलने के बाद खराब परफॉर्मेंस देती है तो बहुत दुख होता है। और इन्हीं के साथ मूवी के अंदर दिशा पटनी जैसी एक्ट्रेस भी है, जिन्होंने इतना कम समय में अपनी ग्लैमर तो दिखाई, साथ ही साथ अपनी बेस्ट एक्टिंग स्किल्स भी दिखा दी। और इसी के अलावा एक मिनट, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो वीडियो को अभी स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टॉप नहीं किया है मतलब आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट के अंदर तबू की एंट्री होती है और मैं जेन्युइनली तबू का बहुत बड़ा फैन हूँ। 30 सेकंड के लिए सिर्फ तबू स्क्रीन के ऊपर आती है और ट्रस्ट मी गाइस, पूरा ऑडियंस इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा थिएटर के अंदर कि अभी भी ऑडियंस रिस्पेक्ट करती है टैलेंट को। तो मैं इस मूवी को 3.5 स्टार देना चाहूँगा। 0.5 स्टार एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि इसकी कॉमिक टाइमिंग और इसका सोशल मैसेज दोनों भी रिदम में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही तो चीज़ है जो हमें मोटिवेट और इंस्पायर करती है आप तक ऑनेस्ट रिव्यूज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।